Hello students, I'm going to continue with the chapter application of derivative of trail standard. Exercise 2.4, question number 2. Actually, we saw the first example from question number 2 in which the question was find the value of function if the function is, find the value of x if the function is strictly increasing. So, the second example in which we have the function given is 3 plus 3x minus 3x square plus x cube. तो आपको ये पता है कि जब भी हमें ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारा पहला स्टेप ये रहता है कि हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट हियर द डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0. 3x का डेरिवेटिव है 3, यहाँ पे माइनस 6x एंड 3x स्क्वायर. सो in proper manner we are going to write it. So 3x square minus 6x plus 3, taking 3 common in bracket we will get x square minus 2x plus 1. This is nothing but the perfect square of x minus 1. So 3 into x minus 1 bracket square. So this is the answer of the derivative. तो हमें क्या करना है कि हमें जो दिया गया है, that is the function is strictly increasing. So this line we have to write down first after finding the answer of the derivative. सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज़ गिवन. मतलब क्या है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? ये हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है ये इंक्रीजिंग, मतलब जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का आंसर भी पॉजिटिव होगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन जीरो होगा. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो. जब भी जो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो और पॉजिटिव देन इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड इफ इट इज़ लेस दैन जीरो और निगेटिव देन इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये है कि उसका जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का जो आंसर है इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो हमारा एफ डैश मतलब डेरिवेटिव का आंसर जो आया है दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो. ये 3 अगर वहाँ पे जाएगा तो जीरो होगा. सो 3 एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू आर. मतलब अगर x का वैल्यू 1 होता है यहाँ पे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलेगा हमें. तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इट इज़ पॉजिटिव एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1. x माइनस 1 इज 0 दैट इज़ x इज इक्वल टू 1. मतलब अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रहता है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा. एंड सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1. That is, we can write this sentence in symbolic form, that is, x is positive for all values of x which belongs to R, that is real numbers, except minus 1 मैंने लिखा है, इसका मतलब except x is equals to 1. अगर उसका value 1 होता है तो ये condition satisfy नहीं होगा. Now see the next example. That is f of x is equals to x cube minus 6x square minus 36x plus 7. So differentiating with respect to x. So what we get here? The derivative of the given function is 3x square minus 12x minus 36. Iska answer 0 hoga. To yahan pe हमने 3 कॉमन ले लिया है. सो 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12. सो 3 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 6 इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इज देयर. नाउ हियर ऑल्सो वी आर गिवन दैट इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग का मतलब आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है उसका आंसर इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो एफ डैश एक्स का जो आंसर है वो है 3 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 6
एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज एक्स प्लस टू, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये थ्री यहाँ पे जाके ज़ीरो होगा. सो द रिमेनिंग आंसर इज एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स प्लस टू, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट मिले हैं, यहाँ पे एक ही था तो हम वैसे भी आंसर उसका बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर दो ब्रैकेट्स है तो इसके लिए हमें दो केसेस यहाँ पे लेने पड़ते हैं, ये भी हमने फर्स्ट एग्जांपल में सीखा था. तो यहाँ पे जो आंसर है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमें दिया है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. तो वो कौन से कंडीशन में होता है, अगर दोनों की भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है. अगर दोनों का वैल्यू निगेटिव रहता है तो आपको पता है कि इन प्रोडक्ट इट इज़ माइनस माइनस प्लस. तो अगर ये दोनों ब्रैकेट्स अगर निगेटिव रहते हैं तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा. तो हमें दो केसेस यही पे मिले हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे या तो दोनों ब्रैकेट्स लेस देन ज़ीरो होंगे. तो हमने दोनों भी केसेस यहाँ पे लिए हैं. तो फर्स्ट वी सी द फर्स्ट केस इन विच बोथ द ब्रैकेट्स विल बी पॉजिटिव. तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है. तो x माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन सिक्स, ये माइनस सिक्स यहाँ पे आके प्लस सिक्स होगा और ये प्लस का माइनस टू होगा. तो x ग्रेटर देन सिक्स एंड x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू, ये हमें नंबर लाइन पे दिखाना है. तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है. तो फर्स्ट हम दिखाएंगे x इज़ ग्रेटर देन सिक्स. ग्रेटर देन सिक्स मतलब सिक्स से ज़्यादा जो वैल्यू है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है. और x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू, तो माइनस टू से जो बड़े नंबर्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे. तो ये दोनों जो लाइंस मैंने दिखाई है उसमें से कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो ये वाला है. ये वाला है मतलब कौन सा है, x इज ग्रेटर देन सिक्स वाला पोर्शन. ये दोनों मिला के कौन सा पोर्शन है ये दोनों में से, तो x इज ग्रेटर देन सिक्स जो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका आंसर आया x इज ग्रेटर देन सिक्स. वैसे भी हमें यहाँ पे भी ढूंढना है, दोनों केसेस अभी निगेटिव है, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो. सो x इज ग्रेटर देन सिक्स एंड x इज ग्रेटर देन माइनस टू. तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे उसको दिखाएंगे. तो नंबर लाइन में क्या आएगा, फर्स्ट वन इज़ x इज़ लेस देन सिक्स, तो सिक्स से जो कम से कम वैल्यू है वो सब लेफ्ट साइड में होगी, तो ये उसका एरो मैंने दिखाया. और x इज़ लेस देन माइनस टू, तो लेस देन माइनस टू वाले सब नंबर्स यहाँ पे आएंगे. तो दोनों में से कॉमन पोर्शन किस किस पार्ट में आया है, तो यहाँ से इस तक, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये कौन सा पार्ट है, तो x इज़ लेस देन माइनस टू, तो इसका आंसर यह. और ये दोनों जो आंसर्स है वो दोनों आंसर्स मैंने नीचे लिखे, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन सिक्स एंड एक्स इज़ लेस देन माइनस टू. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर. इन क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू में देखा कि ये जो क्वेश्चन था वहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग था, और ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ डिक्रीजिंग है. मतलब हमने सेकेंड क्वेश्चन में जो किया था वही हम क्वेश्चन नंबर थ्री में करने वाले हैं. सिर्फ फ़र्क क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया है वो डिक्रीजिंग है, मतलब लेस देन ज़ीरो का है. तो हम वैसे ही स्टेप यहाँ पे करेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ इट्स डेरेटिव. एंड सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, सो एक्स सिक्स मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे. सो हमें टू के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनके सब्सट्रैक्शन वन होगा. तो हमें फैक्टर्स मिले माइनस टू एंड प्लस वन, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट सिक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन. ये एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, और ये सिक्स एज इट इज़. अभी हमें क्या करना है, हमें जो एग्जाम्पल में दिया है दैट इज़ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हमें एग्जाम्पल में दिया गया है. सो इट इज़ द गिवन पार्ट. तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो भी लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब वो माइनस में होगा. सो सिक्स इसका जो आंसर आया है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा, सिक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज़ लेस देन ज़ीरो.
सिक्स यहाँ पे जाके जीरो होगा, सो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो। तो हमें ये दोनों ब्रैकेट्स फिर से हमें यहाँ पे मिले हैं और हमें ये दिखाना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो है। तो दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो कौन से कंडीशन में आ सकता है? एक तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तब ये लेस देन जीरो होगा। आइदर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तब ये लेस देन जीरो होगा। वही मैंने थोड़ा सिंबॉलिक यहाँ पे लिखा है। ए इंटू बी इज लेस देन जीरो ओनली इन वन, ओनली इन टू कंडीशंस। फर्स्ट वन, आइदर ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, बी इज़ लेस देन जीरो, और ए इज़ लेस देन जीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन जीरो। यही मैंने उल्टे अंदाज में यहाँ पे लिखा है। तो सी, हम फर्स्ट केस गोइंग टू सी फर्स्ट वन। सो केस वन में हमने देखा था कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा और ये लेस देन जीरो होगा। तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो। तो टू यहाँ पे आके होगा एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो पहले हम केस वन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम केस टू देखेंगे। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन फाइंड आउट की। तो पहले हमें ये दिखाना है कि एक्स इज ग्रेटर देन टू, इसका मतलब क्या है? टू से ज़्यादा वैल्यूज। सो टू से ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, सो मैंने यहाँ पे एरो मार्क किया है। एंड एक्स इज लेस देन वन, तो लेस देन वन वाले वैल्यू सभी इस साइड में आएंगे। तो इन दोनों में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज़ नो एनी कॉमन पोर्शन। अभी यहाँ पे देखेंगे केस टू, दैट इज एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे जो माइनस टू है वो यहाँ पे जाके होगा प्लस टू एंड प्लस वन यहाँ पे आके होगा माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स इज लेस देन टू हम कैसे दिखाएंगे? सो टू से कम वैल्यू जो होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो एरो दिखाया। एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, सो ग्रेटर देन माइनस वन वाला जो वैल्यू है वो सब इस साइड में होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाउन करती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो दोनों में कॉमन है। ये दोनों पोर्शन कौन से? ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? एक्स इज़ लेस देन टू वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक्स इज लेस देन टू वाला ये जो एरो है वो दिखाता है, और ये एरो हमें क्या दिखाता है? एक्स का जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों पोर्शन यहाँ पे कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हम कैसे दिखेंगे? तो दोनों भी पोर्शन इसमें शामिल होंगे, दैट इज़ एक्स इज लेस देन टू वाला भी पोर्शन इसमें आता है और ये वाला भी पोर्शन आता है। दोनों में से कॉमन तो यही हम लिख सकते हैं। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। कोई एक बात यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दोनों भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा दैट इज़ एक्स इज़ लेस देन टू एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। सो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम केस वन एंड केस टू हमें एक ही आंसर मिला है, दैट इज़ एक्स इज़ लेस देन टू एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। तो ये हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। सो एक्स इज लेस देन टू एंड ग्रेटर देन माइनस वन, सो दिस इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें और दो एग्जांपल से जो सेम ऐसे ही है एज लाइक एग्जांपल नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर टू एंड थ्री फॉर योर होमवर्क। नाउ वी गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर फोर। सो इन क्वेश्चन नंबर फोर सी द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने देखा था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थ्री में हम देख रहे हैं कि देखा भी उसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें हम दोनों वैल्यू देखने वाले, दैट इज वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो हम दोनों भी आंसर्स एक ही एग्जाम्पल में फाइंड आउट करने वाले। तो हमें फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर फोर एक्स प्लस थर्टीन। तो कोई भी क्वेश्चन हो, दैट इज़ इंक्रीजिंग वाला हो या डिक्रीजिंग वाला हो, हमारा फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस वन फोर फोर एंड इसका डेरिवेटिव जीरो। तो यहाँ से हम थ्री कॉमन लेंगे तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस फोर्टी एट। तो फोर्टी एट के फैक्टर्स हमने ले लिए, दैट इज ट्वेल्व एंड ट्वेल्व एंड फोर, जो मिडल नंबर का साइन है वो हम उस बड़े नंबर को देते, दैट इज़ माइनस ट्वेल्व एंड माइनस आने के लिए प्लस वन। सो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिले एक्स माइनस ट्वेल्व एंड एक्स प्लस फोर।
सो दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. नाउ हमारा फर्स्ट केस क्या था कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पहले हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे, बाद में हम डिक्रीजिंग करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो इसका मतलब है कि उसका जो डेरिवेटिव है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो थ्री उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पे. सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो. तो एक्स माइनस ट्वेल्व, ये थ्री यहाँ पे जाके ज़ीरो होगा. सो एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन हमें जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन वाले फंक्शन है. तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, हमने ये पहले भी देखा था. तो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज़ दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, एंड सेकेंड केस में दोनों वैल्यू क्या होगी, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 होता है प्रोडक्ट जब हम करते हैं दोनों का. तो उसका आंसर हमें जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो कब मिलता है, दैट इज जब दोनों भी पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो. तो एक्स ट्वेल्व यहाँ पे जाएगा, सो एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व, एंड यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर. सिमिलरली यहाँ पर भी ट्वेल्व यहाँ पे जाएगा तो एक्स इज़ लेस देन ट्वेल्व एंड एक्स इज़ लेस देन माइनस फोर. तो ये पहली केस जो है उसका फिगर मैंने यहाँ पे किया है. सो एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व, सो यहाँ पे बीच में मैंने डैश डैश कर दिया. हम टू फोर सिक्स ऐसे भी ले सकते हैं. तो ट्वेल्व से ज़्यादा जो वैल्यू है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो सब यहाँ पे आएगी. एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर, तो माइनस फोर से ग्रेटर वाले वैल्यू सब यहाँ पे आएंगे. तो मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ का यहाँ तक का वो दोनों में सेम है. तो ये जो टोटल पोर्शन है वो क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व वाला है. तो इसका आंसर क्या आया, एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व. सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व वाला केस है यहाँ पे. नाउ सी यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो केस है वो हम देखेंगे. तो इसमें हमें देखा दिया है कि x इज लेस दैन ट्वेल्व. तो लेस दैन ट्वेल्व वाली जो वैल्यू है, सब ये जो ऊपर का मार्किंग है वो मेरा ये है, x इज लेस दैन ट्वेल्व वाला है. तो ट्वेल्व से कम ज़्यादा जो वैल्यू है तो यहाँ तक आएंगे लेफ्ट साइड में. एंड x इज लेस दैन माइनस फोर, तो लेस दैन माइनस फोर वाले सब नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ x इज लेस दैन फोर वाला, तो ये यहाँ पे आएगा. तो सॉल्यूशन हमें लिखना है. तो सॉल्यूशन में आएगा x इज़ ग्रेटर दैन ट्वेल्व, x इज़ ग्रेटर दैन ट्वेल्व एंड x इज़ लेस दैन माइनस फोर. तो थोड़ा सा यहाँ पे आके हम बात करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी x इज़ ग्रेटर दैन ट्वेल्व, मतलब ये जो एरो है वो इन्फिनिटी तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो जो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे आएगा वो होगा इन्फिनिटी, दैट इज़ प्लस इन्फिनिटी. और ये जो x इज़ लेस दैन माइनस फोर, तो ये यहाँ जब एंड तक जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है. तो जस्ट वी गोइंग टू फाइंड आउट इट्स डोमेन. तो डोमेन में क्या आएगा कि इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, माइनस फोर से स्टार्ट होके वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये ट्वेल्व से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा. तो ये हमारा डोमेन है, इसका आंसर. नाउ सी द सेकेंड केस, दैट इज़ हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो डिक्रीजिंग मतलब हमने ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, मतलब थ्री इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर इज़ लेस दैन ज़ीरो. सो थ्री यहाँ पे जाके ज़ीरो होगा, सो एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर इज़ लेस दैन ज़ीरो. तो यहाँ पे जो केसेस होगी वो कैसे होगी, हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था. दो जो ब्रैकेट्स है उनका आंसर लेस देन ज़ीरो, मतलब माइनस कब आता है, जब एक प्लस होगा माइनस होगा, और ये माइनस होगा ये प्लस होगा. तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ एक्स माइनस ट्वेल्व, फर्स्ट केस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सेकेंड वाला लेस देन ज़ीरो. यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हम लेस देन लेंगे और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. मतलब एक प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा तभी उसका वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगा. सो हम ये नंबर लाइन पे थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है. सो यहाँ पे फर्स्ट ट्वेल्व यहाँ पे जाएगा तो x इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व एंड यहाँ पे x इज़ लेस देन माइनस फोर. तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व, तो ये जो एरो है यहाँ पे हम
ग्रेटर नंबर्स, 12 से ज़्यादा नंबर्स इस एरो से दिखा सकते हैं, और एक्स इज लेस देन माइनस फोर, ये वैल्यूज हम यहाँ पे ये जो एरो है वहाँ से दिखा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों एरो में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, सो नो कॉमन पोर्शन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे तो एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो एक्स इज़ लेस दैन 12, तो एक्स इज़ लेस दैन 12 का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट करता है, द वैल्यूज विच आर लेस दैन 12 एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन माइनस फोर, तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। तो इस पोर्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये इतना वाला बड़ा पोर्शन दोनों में से कॉमन है, तो दोनों में दो पूरा का पूरा एक एरो किसमें भी शामिल नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों भी आंसर्स इनको एज ए आंसर करके हम लिखेंगे, दैट इज़ एक्स इज़ लेस दैन माइनस 12 एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन माइनस 4 एंड कॉमन। अगर उसका आंसर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, और दोनों का कॉमन आंसर अगर निकालना हो तो एक्स इज़ लेस दैन 12, सॉरी यहाँ पे 12 है, सो एक्स इज़ लेस दैन 12 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन माइनस 4 करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है वो उसका आंसर है, तो ये हम ऐसे राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ माइनस 4 to 12। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ सेम दैट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फॉर योर होमवर्क एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।